राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि कांग्रेस के पास में पर्याप्त संख्या बल है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जयपुर पहुंचकर सभी विधायकों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं। केसी वेणुगोपाल से A1 टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने की खास बातचीत। सभा की 3 सीटों को लेकर हो रहे चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हमारे साथ हैं कांग्रेस उम्मीदवार वेणुगोपाल सर। सर, बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं, 3 सीटों के लिए चुनाव है, कितनी चुनौती मानते हैं? वी विल विन टू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी विल बी गोइंग टू विन बोथ द सीट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वी आर इंटैक्ट, आवर मेंबर्स आर इंटैक्ट, वी आर गोइंग टू विन बोथ द सीट। व्हाट एवर एफर्ट्स बीजेपी इज डूइंग, लेट देम डू इट, बट वी आर गोइंग टू विन। सर, आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, क्या कारण है सर? कहीं टूटने का डर है विधायकों का? दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय बीजेपी ओनली। दे आर क्रिएटिंग रूमर्स, दे आर अटेम्प्टिंग, इवन दो इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर अटेम्प्ट, दे आर अटेम्प्टिंग, दैट्स व्हाट वी वांट टू शो, दैट कांग्रेस इज यूनाइटेड। सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकार गिराने के प्रयास हो रहे हैं। द वे इन व्हिच द बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग, द बीजेपी पार्टी इज डूइंग, that is why we are talking about Rajasthan and talking about Madhya Pradesh and Karnataka. You know what happened in Madhya Pradesh when the pandemic was started? Madhya Pradesh is very behind in pandemic control. Why? Unnecessarily they are toppling that elected government that point of time when this pandemic has been begun. That is why we are telling that. आप जयपुर आए हैं सर, आप थैंक यू सर। तो ये थे कांग्रेस उम्मीदवार वेणुगोपाल, जिनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। 2 सीटों पर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, दोनों सीटों पर विजयी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट यस माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी जयपुर।